This is Reshma. You are watching KK's Education. Now we are going to learn a very, very interesting chapter, The Fun They Had. Believe me guys, this will be going a very interesting lesson. It may change your bad thoughts regarding schools. So if you like this video, please hit the thumbs up and subscribe my channel. Press the bell icon so you will get never miss the updates. The Fun They Had. वो मजे जो उनके पास थे, वो मस्ती जो उनके पास थी. नो बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड, इट्स सेट इन द फ्यूचर. ये जो कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फ्यूचर पर बनी है. व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. जब किताबें और स्कूल ये सब जो हम जानते हैं वो उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, अस्तित्व में ही नहीं रहेगी. How will children study then? तब future में बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे जब उनके पास किताबें और schools ही नहीं होंगे? The diagram below may give you some ideas. ये नीचे का जो diagram दिया है, वो शायद हमें कुछ ideas दें. Now learning through computers. Computer के द्वारा learning होगी, वो सीखेंगे. Virtual classroom. Virtual classroom मतलब जो real नहीं है वो, पर उसे हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया है, वहाँ हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है जो एक क्लासरूम के जैसा लगता हो. रोबोटिक टीचर. उस समय हमारे पास स्पेशली क्या होंगे? रोबोटिक टीचर्स होंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए. मूविंग ई टेक्स्ट होगा, यानी मॉनिटर स्क्रीन पर कंप्यूटर्स पर टेक्स्ट जो होंगे वो स्टेटिक नहीं होंगे बल्कि चलते हुए चलने वाले होंगे. अक्सर हम जो कहानियाँ पढ़ते हैं उसमें जो किरदार होते हैं वो भूतकाल के होते हैं. जैसे एक समय की बात है, एक राजा था, रानी थी, ऐसी ऐसी कहानियाँ हम पढ़ा करते हैं. पर अभी जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके जो किरदार है मार्गी एंड टॉमी, ये जो है वो फ्यूचर के किरदार है. तो इस कहानी को अगर हमें अच्छे से समझना है तो अपने आप को फ्यूचर में रख कर देखना होगा और उस समय जो सरकमटेंस होंगे उसे ध्यान में रखना होगा. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. Margie जो है वो इस बात के बारे में अपनी डायरी में उस रात लिखती है, उस पेज पर लिखती है जिसकी हेडिंग क्या होती है, 17 मई 2175. She wrote, "Today Tommy found a real book." आज टॉमी को एक रियल किताब मिली. ये जो रियल किताब मिली, ये बात उनके लिए इतनी एक्साइटेड, इतनी अस्टंगनाइज है कि इस बात को उसने अपनी डायरी में लिखा. क्योंकि उनके समय में ये रियल बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, स्कूल्स, ये सब क्या थे? ये सब उस समय थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. तो ये बात उनके लिए काफी आश्चर्यचकित थी जिसे मार्गी ने अपनी डायरी में राइट किया. नो इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये काफी पुरानी किताब थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय His grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के grandfather ने एक बार उससे कहा था कि जब वो छोटे थे तब उनके grandfather यानी उनके दादा ने उन्हें कहा था कि एक समय ऐसा था जब सारी की सारी कहानियां जो थी वो पेपर्स के ऊपर छापी जाती थी. They turned the pages. They मतलब कौन? मार्गी और टॉमी. उन्होंने किताब के पन्ने को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले थे और काफी क्रस थे, उस पर काफी लाइनें खींची हुई थी, मतलब काफी लाइनें पड़ गई थी क्योंकि वो किताब काफी पुरानी थी, इसकी वजह से वो पीली हो गई थी और काफी क्रस हो गई थी. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो. मार्गी और टॉमी के लिए ये काफी फनी था, काफी मजाकिया था कि वो किताब जो थी उस किताब पे जो लिखे हुए अक्षर थे वो चल नहीं रहे थे बल्कि वो खड़े थे. वो स्क्रीन पर जैसे अक्षर चला करते हैं वो उनकी तरह चल नहीं रहे थे और ये सारी बातें उनके लिए काफी फनी थी. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम. और जब उन्होंने उसके पिछले पन्ने को पलटा तो उसमें वही सारे अक्षर लिखे हुए थे जो जब वो उसे पहले पढ़ रहे थे तब लिखे हुए थे. तो ये हमारे लिए तो आम बात होगी क्योंकि हम पेज
आगे करे या पीछे करे, जिस पेज पर जो लिखा है वो बदलेगा नहीं। लेकिन उनके लिए ये बात एकदम नई थी, क्योंकि उन्हें हमेशा ई टेक्स्ट बुक यानी मॉनिटर्स पर, कंप्यूटर्स पर ही किताबें पढ़ने की आदत हुआ करती थी, और कंप्यूटर्स पर पेज हमेशा बदल जाया करते हैं। आपने पेज पलटा तो उसके पीछे का पेज जो है वो बदल जाया करता है। तो ये अनुभव उनके लिए काफी नया था, काफी अस्तंगनाइज था। जी, सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। आई वुडंट थ्रो इट अवे, टॉमी कहता है। टॉमी एक्चुअली इस पैराग्राफ में क्या कर रहा है, वो कंपैरिजन कर रहा है रियल टेक्स्ट बुक में और जो टेलीविजन में ई बुक्स उन्हें दिखाई देती है उसमें। तो टॉमी बोलता क्या है कि व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, ये कैसा वेस्ट है। अगर हमने इस किताब को पूरा पढ़ लिया तो हमें इसे फेंकना होगा, मुझे ऐसा लगता है, तब तो हमें इसे फेंक देना चाहिए। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ बिलियन बुक्स, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, और अभी इसमें और काफी बुक्स भी हम ला सकते हैं, और मैं उसे फेंकूंगा नहीं, हम उसे फेंकते नहीं हैं। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 30. तो मार्गी भी बोलती है, हाँ मेरा भी ऐसा ही है। मार्गी जो है वो लगभग 11 साल की है और उसने टॉमी के जितनी टेलीबुक्स नहीं देखी है, क्योंकि टॉमी जो है वो 13 साल का है, उससे बड़ा है। She said, where did you find it? उसने कहा, तुम्हें ये कहाँ से मिली? In my house, he pointed without looking, because he was busy in reading in the attic. उसने कहा कि वो मुझे मेरे घर पर मिली, attic पे। वो पढ़ने में काफी व्यस्त था, इसलिए उसने बिना देखे ही इशारा कर दिया। तो attic का मतलब क्या होता है? Attic जो होता है, वो छत के नीचे एक ऐसी जगह होती है जो लगभग खाली होती है, और उसका यूज जो होता है वो स्टोर रूम की तरह किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एटिक कहते हैं। व्हाट इज इट अबाउट, मार्गी उससे पूछती है कि ये किस विषय में है। स्कूल, टॉम कहता है कि ये स्कूल के बारे में है। मार्गी वो स्कॉर्नफुल, मार्गी जो है वो घृणा पूर्वक, तिरस्कार पूर्वक कहती है, स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, मुझे स्कूल बिल्कुल ही नापसंद है। अब जो नीचे का जो पैरा है उसमें मार्गी को स्कूल क्यों नहीं पसंद है उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा से ही स्कूल नापसंद था, पर अब वो स्कूल को पहले से भी ज्यादा नापसंद करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर यानी हमारे समय में, यानी अभी जो है वो इंसान जो होते हैं वो टीचर होते हैं, लेकिन उनके समय में मैकेनिकल टीचर यानी मशीन जो था वो एज अ टीचर वर्क करता था। वो मैकेनिकल टीचर जो है वो जियोग्राफी में उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा है। एंड सी हैड डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफिली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और वो जियोग्राफी के टेस्ट में खराब से खराब प्रदर्शन कर रही है, और ये सिलसिला तब तक चला जब तक उसकी मम्मी ने दुखी होकर के उसका सर हिलाया, और उसके बाद उसकी उस मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं भेजा, तब तक ये सिलसिला चलता रहा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब यहाँ पर क्या है, उस काउंटी इंस्पेक्टर को डिस्क्राइब किया गया है कि वो कैसा दिखता था। तो वो एक छोटा आदमी था, और उसका जो चेहरा था वो लाल था, और उसके पास डायल्स और वायर से भरा हुआ एक बॉक्स था। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. उसने स्माइल किया, और उसके बाद उसने मार्गी को क्या दिया, एक एप्पल दिया। उसके बाद उसने टीचर के, टीचर यानी जो मैकेनिकल टीचर था, जो मशीन था, उसके हिस्सों को अलग किया। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्गी को ऐसी आशा थी कि उसे नहीं पता होगा कि इसको वापस से कैसे जोड़ा जाए, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर सोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। पर एक घंटे या और समय बाद जो इंस्पेक्टर था उसने क्या किया, उसे वापस से ठीक कर दिया, और वापस से उस बड़े से, काले से, बदसूरत बड़ी स्क्रीन वाले
जिस पर सारे लेसन्स दिखाई देते थे, सारे क्वेश्चंस दिखाई देते थे, सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, वो वापस से ठीक हो गया। दैट वाजंट सो बैड, ये इतना भी ज्यादा खराब नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ उसे होमवर्क्स और टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे। एक ऐसा स्पेस जहाँ उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे, वो पार्ट जो है वो मार्गी को सबसे खराब लगता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। और ये सारी चीजें जो है होमवर्क्स और टेस्ट पेपर, ये हमेशा से उसे पंच कोड में लिखना होता था। पंच कोड एक ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज जो कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड कर सकता है, तो वो लैंग्वेज जो है वो उसने 6 साल में ही सीख ली थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो कुछ ही समय में, थोड़ा भी समय लगाए बिना वो मार्क्स उसके सामने रख दिया करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गिस हेड। अब जब इंस्पेक्टर ने अपना सारा काम खत्म कर लिया, उसके बाद उसने स्माइल की और मार्गी का सर जो है उसने थपथपाया। He said to her mother, उसने उसकी माँ को कहा, It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. तो वो कहते हैं कॉन्टी इंस्पेक्टर माँ से कि इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी सी लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो जियोग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा ज़्यादा तेज उसे गियर कर दिया गया था, उसे एडजस्ट थोड़ा और तेज कर दिया गया था। दोस थिंग हैपन समटाइम, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसे एक 10 साल की लड़की के लेवल जितना धीमा कर दिया है। द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, इसका जो पूरा पैटर्न है, इसकी प्रगति का जो पूरा पैटर्न है, ये काफी संतोषदायक है। और इतना कहने के बाद ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने उसका सर, मार्गी का जो सर है उसे फिर से थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो थी वो काफी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो ऐसा सोच रही थी, वो ऐसी आशा कर रही थी, मनी मन में ऐसी उम्मीद बना चुकी थी कि शायद ये टीचर को हमेशा के लिए ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for the nearly a month. वो एक बार टॉमी के टीचर को लगभग एक महीने के लिए उससे दूर लेके गए थे, because the history sector had blanked out completely. क्योंकि जो history sector था, history का जो section था, वो पूरी तरीके से खाली हो गया था। जो memory थी history section की computer में, वो पूरी तरीके से खाली हो गई थी। इसी की वजह से टॉमी के टीचर को लगभग एक महीने के लिए उससे दूर लेके गया है। दूर ले जाया गया था। So she said to Tommy, इसीलिए उसने टॉमी से कहा, Why would anyone write about school? कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? Tommy looked at her with very superior eyes. टॉमी ने उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखा। Because it is not our kind of school, stupid. ये हमारे तरीके का स्कूल नहीं है, stupid. This is the old kind of school. ये पुराने जमाने का स्कूल है। That they had hundreds and hundreds of years ago, जो उनके पास 100 और 100 से भी अधिक साल पहले हुआ करते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago. और उसके बाद उसने और अच्छी तरीके से, अच्छे से प्रोनाउंस करते हुए उस वर्ड को कहा कि सदियों पहले। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. Margie जो थी वो hurt थी, उसने कहा, वेल मुझे नहीं पता कि उस समय उनके पास कैसे स्कूल हुआ करती थी। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने वो किताब कुछ देर के लिए पढ़ी, देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर, कुछ भी हो उनके पास एक टीचर हुआ करते थे। तो टॉमी ने क्या रिप्लाई किया? श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। हाँ टीचर हुआ करते थे, पर वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो एक इंसान हुआ करते थे। A man? How could a man be a teacher? एक इंसान कैसे एक टीचर हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. वैसे वो बस बच्चों को क्या करते थे? चीजें बताया करते थे,
उन्हें लेसन होमवर्क दिया करते थे और उनसे सवाल पूछा करते थे।